सर, सबसे पहले तो मैं आपको कार्यक्रम लाइफ इन लाइफ और संक्षेप में आपका मैं स्वागत करूंगी। ये कार्यक्रम जो आपसे मिली चर्चा करूंगी वो दोनों प्रोग्राम में चलेगा, एक लाइफ इन लाइफ और एक शख्सियत। आपको मैंने पढ़ा है, आपके कॉलम्स में लगातार पढ़ती जा रही हूँ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक्चुअली एक लेखक को तैयार होने के लिए या बनने के लिए किस चीज़ की सबसे पहले ज़रूरत होती है? सबसे पहले संवेदना कि जो कुछ आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है उसको आप कितनी शिद्दत से महसूस करते हैं, क्योंकि एक ही घटनाक्रम हो रहा है और सैकड़ों लोग उसको देख रहे हैं, लेकिन सबके रिएक्शन अलग अलग होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो पहली रिक्वायरमेंट है हमारी वो संवेदना की है और शिद्दत से महसूस करने की है। और मुझे ये भी लगता है साथ में कि जिस तरह का टेक्नोलॉजी के कारण, उदारवाद के कारण जो समाज में तेजी से परिवर्तन समाज में हमेशा होते रहे, लेकिन समाज बिल्कुल समुद्र की तरह होता है, जो लहरें चलती हैं वो परिवर्तन की चलती हैं, लेकिन ये परिवर्तन तो रोज़ हो रहा है, पर समुद्र के गर्भ में कुछ मूल्य हैं जो हमेशा जस के तस बने रहते हैं। तो सतह के ऊपर होने वाले निरंतर परिवर्तन और बॉटम में परिवर्तनहीनता, ये दोनों के बीच में तनाव है, और इस तनाव को साधना आज के कालखंड की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ऊपर के परिवर्तन बहुत तीव्र गति से हो रहे हैं। अगर समाज मिक्सी है तो पिछले 20 साल में मिक्सी बहुत तेजी से चल रही है और आए दिन परिवर्तन हो रहे हैं, और इन परिवर्तनों में कुछ परिवर्तनहीन चिरंतन मूल्यों को संरक्षण करते हुए आगे बढ़ना सबसे बड़ी चुनौती है, चाहे वो साहित्य हो, सिनेमा हो या साधारण जीवन भी हो। यह तो मुझे लगता है कि संवेदना, भावना, हृदय में शिद्दत से महसूस करने का जज्बा, ये एक लेखक के लिए अनिवार्य शर्त है। आपका जब कॉलम पढ़ते हैं सर, तो उसमें अध्यात्म, वो कहीं अध्यात्म में लेके जाता है, उसको पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है। देखिए, मेरे जो धार्मिक आख्यान है मैंने उतने ही पढ़े जितने भारतवर्ष में एक एवरेज आदमी पढ़ता है, उससे अधिक मैंने उनका अध्ययन नहीं किया है, लेकिन बहुत साल पहले से ही मेरे दिमाग में अध्यात्म के विषय में एक क्लियर विचार था, और वो ये था कि अध्यात्म हम जिसे कहते हैं वो बहुत भारी भरकम शब्द है, और उसको बोलते से कुछ भगवा कपड़े और कमंडल और हिमालय, इस तरह की छवियां मन में उभरती हैं जो जिसकी मेरी रुचि नहीं है। मुझे अगर बेस्ट सहूलियतें भी प्रदान की जाए तो मैं कुछ हिमालय में जाके साथ अंदर नहीं करना चाहता हूँ, न मैं किसी मंदिर मस्जिद में जाना चाहता हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैंने अपने जीवन को, मैं चूँकि अधिक समय तक अध्यापक रहा हूँ और अध्यापकों की आदत होती है सरलीकरण करने का, जटिल से जटिल प्रक्रिया को हम सरलीकरण करते तब तो विद्यार्थियों को समझा पाते ना, तो मैंने अपने जीवन में अध्यात्म वाला जो फंडा है इसका सरलीकरण बहुत पहले कर लिया है, कि जो व्यक्ति जहाँ बैठ के अपना काम अपनी योग्यता के अंतिम बिंदु तक ले जाके कर रहा है वो अध्यात्म का काम ही कर रहा है। तो मैं अध्यात्म को जीवन के अन्य अंगों से अलग नहीं रखता कि उसके लिए मुझे कुछ अलग तप करना पड़ेगा। मैं ईश्वर के प्रति धन्यवाद का भाव भी हृदय में रखता हूँ, और मेरे मुँह से जितनी बार ईश्वर का नाम निकलता है दिन भर में या रात में, उससे कई अधिक बार मेरे मुँह से मेरी माँ का नाम निकलता है। नींद में सोते सोते भी मैं उठ जाता हूँ तो मेरे मुँह से मेरी माँ का ही नाम निकलता है। कि अच्छा, जिन कामों में मैं रम नहीं पाता उनको मैं जल्दी जल्दी छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरा क्षेत्र नहीं है, मैं नहीं कर सकता उनको। जैसे मैंने जब कैरियर शुरू किया तो उस जमाने में अर्ली 50s में, 57-58 में डॉक्टर या इंजीनियर बनना महत्वाकांक्षा होती थी, और मेरे भाइयों ने भी मुझे कहा कि आप साइंस पढ़िए, तो मैंने इंटरमीडिएट साइंस करके उनको बोल दिया कि ये मेरे बस का खेल नहीं है, मैं डॉक्टर भी नहीं बन सकता, इंजीनियर भी नहीं बन सकता, मेरे बस में गणित नहीं है, नहीं कर सकता हूँ, और बीज गणित तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता, तो मैं छोड़ दीजिए। फिर मैं आपको उस दिन मैंने बताया था कि मैं बहुत भाग्यवान परिवार में पैदा हुआ जहाँ मेरे तीनों भाइयों को पढ़ने में रुचि थी,
मेरे पिताजी को भी रुचि थी और वो बहुत सुसंस्कृत जीवन जीने वाले विद्रोही स्वभाव के आदमी थे उस दौर में भी। उन्होंने हमको बाध्य कर रखा था कि अंग्रेजी नहीं भी ठीक से आती है तो वो फ्री प्रेस जनरल उस जमाने में बड़ा पॉपुलर अखबार था, ये पढ़ने की कोशिश करो कोई बात नहीं। फिल्म देखते थे हम, उनको कोई आपत्ति नहीं थी। फिल्म पर हम लोग बातचीत करते थे, उनको इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। बल्कि कभी कभी जब वो भी फिल्म कोई देख लेते थे तो वो भी उस पर बातचीत करना, अपने चारों बेटों के साथ बैठ के बात करना उनको अच्छा लगता था। और उस साहित्य की पढ़ने की सहूलियत भी थी घर में, किताबें खरीदने की सहूलियत भी थी। और किताबें भी मैंने ग्रेजुएशन मैंने किताबों में धीरे धीरे मेरे मूल्य बदले हैं। शुरू तो मैंने किया था जासूसी दुनिया से, इब्ने सफ़ी की किताबों से, और चंद्रकांता संतति और भूतनाथ संतति वगैरह। फिर शीघ्र ही प्रेमचंद जी पढ़ता रहा, शरद बाबू वगैरह। कॉलेज में आने के बाद अंग्रेजी का पढ़ना शुरू किया। तो पढ़ने लिखने के प्रति रुचि और सिनेमा के प्रति रुचि मुझे बचपन से ही है। 6-7 साल की उम्र में 4 आने जेब में लेके, 2 आने के टिकट लेके नीचे बैठ के पिक्चर देख रहा था, निकल पहनता था तो बिच्छू काट गया। तो घर आया तो पिताजी ने थप्पड़ इसलिए नहीं मारा कि तुम सिनेमा देखने गए थे, उनसे पूछ के गया था। उन थप्पड़ इसलिए था कि तुमको 4 आने दिए थे, बेंच का टिकट लेना था, बेंच पे बैठते तो बिच्छू नहीं काटता। उनकी ऑब्जेक्शन इस बात की नहीं थी। तो वो जो बिच्छू काटा है मैं उसको सिनेमा का जहर ही समझता हूँ। और वो उस समय काटा था, 60-70 साल हो गए, उसका दंश जैसा है वैसा है और मैं उससे मुक्त भी नहीं होना चाहता। और ईमानदारी की बताता हूँ, मैंने अंग्रेजी में भी एम ए किया, हिंदी में भी एम ए किया, और साहित्य की किताबें पढ़ने की मेरी रुचि रही है और विभिन्न विषय पढ़ता रहा हूँ। हिस्ट्री भी पढ़ता रहा हूँ, मेडिकल की किताबें भी पढ़ता रहा हूँ, डॉक्टर ग्रे की एनाटॉमी पढ़ने की कोशिश की, समझ में नहीं आई, लेकिन डॉक्टर ग्रे की लाइफ तो ज़रूर पढ़ी मैंने कि इतने बड़े डॉक्टर ने जो 32 साल की उम्र में मर गया था, उसने जो शास्त्र संपन्न किया है शरीर का, वो 250 साल में चैलेंज नहीं हुआ, आज भी इट इज़ द बेस्ट। तो सबसे सारे का विषय पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा तो हिंदी व्यावसायिक सिनेमा ने सिखाया है, सबसे ज़्यादा व्यावसायिक सिनेमा ने सिखाया। और जो उस ज़माने में जब मैं ग्रो हो रहा था तो भाग्यवश देखिए ना, शांताराम जी, महबूब खान, कारदार, विमल राय, राज कपूर, गुरुदत्त, अमैया चक्रवर्ती, केदार शर्मा, किशोर साहू, हाँ ऋतिक घटक बंगाल में, और सतीश रैना ने 55 में शुरू कर दी थी यात्रा। तो हिंदुस्तान भर के सब ब्रिलियंट लोग, और फिर सब मेरे बहुत सीधे दोस्त हैं, और हफ्ते में हम कम से कम 4 दिन साथ में खाना खाते, बातचीत करते हैं। ये उनकी ऑब्जर्वेशन है कि हर क्रिएटिव आदमी के कैरियर में उतार चढ़ाव आते हैं, ऊपर नीचे जाता है आदमी। कोई किसी का 7 साल पीरियड चलता है, 5 साल चलता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता चलता है। शंकर जयकिशन एकमात्र कंपोजर है जिन्होंने 49 से 71 तक बुरा वक्त नहीं देखा है, ये सलीम साहब का कहना है। 49 की बरसात और 70 का रिलीज हुआ जोकर, ये 21 सालों में कभी बुरा वक्त देखे नहीं, हमेशा हिट फिल्में दी, हमेशा मधुर संगीत दिया है, ऐसा कंसिस्टेंट फॉर्म। ये ब्रेडमैन की तरह फॉर्म है, क्रिकेट की भाषा में बात करें तो आपको जब हम पढ़ते हैं ना तब तो हम आपको जान नहीं रहे होते, एक छोटा सा आपका पिक्चर होता है वहाँ, सिर्फ इतनी सी आपकी वो पहचान है, तो कभी रेफरेंस के लिए भी लोग पढ़ते हैं वो। लेकिन जब आपसे मिलते हैं तो देखते हैं कि जीवन के प्रति जो आपकी आस्था है वो बहुत अमूल्य है, बहुत ही पूजनीय है। ये आस्था जीवन के प्रति कैसे आई? ये जीवन के प्रति आस्था, उमंग, ये सारी बातें जो है ना, इसका मूल केंद्रीय भावना प्यार है। मैं 50 साल से एक स्त्री से प्रेम कर रहा हूँ, और मैं अपने माता पिता को भी बहुत प्रेम करता हूँ, यहाँ तक कि उनका नाम स्मरण करके भी आंसू आते हैं। तो असली भावना तो प्रेम है। अगर आप प्रेम करते हैं और आपका प्रेमल स्वभाव है तो फिर आप सब चीज़ों से प्रेम करते हैं, अच्छे भोजन से प्रेम करते हैं, आप अच्छे रहन सहन से प्रेम करते हैं, कपड़ों से प्रेम करते हैं, अच्छे इंसानों से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। अब मेरा सौभाग्य कि मुझे अच्छे ऐसे इंसान भी मिले, राज कपूर साहब, उनकी फैमिली, ऋषि कपूर, रणधीर कपूर, सभी लोग, राजीव कपूर, सलीम साहब, मेरा सलमान से परिचय सलीम साहब की वजह से है। तो ये सब तो बहुत विद्वान लोग हैं, बहुत ही विद्वान लोग हैं। और जीवन में कुछ समय विठल भाई की मदद से मुझे
शैलेंद्र को भी थोड़े से समय जानने का अवसर मिला था, पर वो अद्भुत कवि है और मैं कई बार हैरान रह जाता हूँ। मैं अभी रिसेंटली जब ये तमाशा चल रहा है देश में भ्रष्टाचार वगैरह का, तो वो गाना सुना मैंने गाइड का, वहाँ कौन है तेरा, और अंतिम शब्द उसमें आए फिर क्यों नाचे सफेरा। अरे मैंने बोला शैलेंद्र ने कमाल कर दिया, सांप नाचता है बोले सफेरा, तो क्या इसका आशय ये है कि जनता जो वोट दे के लोगों को पावर लाती है वो क्यों नाच रही है? नाचना तो उन सांपों को चाहिए जो गद्दी में बैठे, सफेरा क्यों नाच रहा है? तो ये अद्भुत रेफरेंस मिल जाता है लाइफ में। तो प्रेम जरूरी है आशावादिता के लिए, उमंग के लिए, हृदय में उत्साह के लिए प्रेम आवश्यक है, क्योंकि उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। और प्रेम का मैं अर्थ बहुत ही सीमित उसमें नहीं लेता हूँ, मेरा विराट अर्थ है कि मैं तो धरती से भी प्यार करता हूँ, फूल पत्तों पौधों से भी प्यार करता हूँ, इंसानों से भी करता हूँ। और मुझे जितना मैंने प्यार किया है दुनिया में लोगों से, मैं भाग्यवान हूँ मुझे उससे अधिक मिला है। ये मेरे लिए प्रतिदिन की चुनौती है कि जो इतने सारे पाठक आप पर यकीन करते हैं, आपको पढ़ना चाहते हैं, आप उनको कभी निराश मत करना। तो मैं तो लिखते समय सोचता हूँ कि भाई सामने अपने कुर्सी पे आदर्श पाठक बैठा हुआ है और उसके हाथ में भेद भी है कि आलस नहीं करना, तो मैं निरंतर अच्छे से अच्छी सामग्री इकट्ठी करने की कोशिश करता हूँ, पढ़ता हूँ। बड़े से बड़ा बुद्धिजीवी सरल हृदय का व्यक्ति हो सकता है, और सबसे सरल हृदय के जो व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा नहीं, वो बहुत बड़ा बुद्धिजीवी हो सकता है। मैं एक बार हाजी अली बॉम्बे में जगह है, वहाँ से मैंने टैक्सी ली, चैम्बूर आर के स्टूडियो जा रहा था। कोई राज साहब का फोन आया था कि जितना जल्दी आ सको स्टूडियो आ जाओ। तो एक बूढ़ा ड्राइवर था, 60-65 साल की उम्र होगी उसकी, मैं तो उस समय कम था मेरी, वो शायद 40-42 का था। तो जा बाबा जल्दी चलाओ गाड़ी, जल्दी चलाओ। वो कुछ नहीं बोला, वो अपनी गति से चला था रहा, मैं उसे जल्दी चला। फिर धीरे से वो बुदबुदाया कुछ, दोबारा बुदबुदाया, तो मैंने सुनने की कोशिश की, तो ये कह रहा है जो आया आता है जल्दी करता है, तेजी से भागता है। आज तक मैंने किसी को पहुँचते नहीं देखा। मुझे लगा गाड़ी रुकवा के उसके चरण छूना चाहिए, वो कितनी बड़ी बात वो आदमी बोल गया है कि यहाँ कोई पहुँचता तो है नहीं, सब निकल पड़ते मंजिल के लिए, मंजिल को पता नहीं। हालांकि इसीलिए मैं कहता हूँ हर क्रिएटिव आदमी बहुत सेल्फिश होता है, बहुत सेल्फिश होता है। इसका इस कारण क्या है मेरे को ये भी देखिए, अभी आपसे बात करते उसका उत्तर मिल गया मेरे को, इसका कारण क्या है? कोई व्यक्ति बड़ा काम कर जाता है अच्छा सा, हम उसको फौरन महान बोलने लगते हैं। हम लोग विशेषण देने में बहुत उदार है, भारत से ज़्यादा उदार कोई देश नहीं है विशेषण देने में, और भारत से ज़्यादा उदार कोई देश भी नहीं महानता कबूल करने के लिए। तो जैसे ही हम किसी व्यक्ति को महान मान लेते हैं, बस हम या तो मनुष्य को देवता बनाने की कोशिश करते हैं, मानने की कोशिश करते हैं, या दानव, हम उसका मनुष्य स्वरूप खंडित करते हैं, मनुष्य स्वरूप में कभी स्वीकार नहीं करते। मान लीजिए गांधी जैसे नेता, मान लीजिए He had an extramarital affair with a woman, तो क्या देश की आज़ादी के काम में खलल पड़ जाती थी क्या? या नेहरू का भावनात्मक तादात्म्य था लेडी माउंटबेटन से, आध्यात्मिक प्रेम भी था, प्लेटोनिक लव था, तो क्या उससे उनके काम में फर्क आ जाता? या ही बिकम्स ए लेसर राइटर? नो, आदमी को हम मनुष्य रहने थे, तो वो मनुष्य है, उसके पैर मिट्टी के हैं, वो कमजोर भी होगा। हमेशा व्यक्ति को स्वीकार करो उसकी कमजोरियों के साथ, ताकत, लेकिन हम लोग हमेशा ताकत के प्रति आकर्षित होते हैं, राजनीतिक ताकत, सामाजिक क्लाउड और तरह तरह की ताकतें, ताकतों का विविध रूप होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कमजोरी के प्रति प्रेम करना चाहिए। अगर आप मनुष्य को उसकी कमजोरी के साथ स्वीकार करें तो बेहतर होगा। सर, आपने आपका एक रोल डिस्ट्रीब्यूटर का भी रहा और एक रोल आप जो हम देख रहे हैं, तो इन दोनों रोल्स में क्या कभी एक दूसरे से मिक्स हुए या इन दोनों रोल्स को आपने अलग अलग रखा? नहीं, ये दोनों रोल तो एक दूसरे के कॉन्ट्रेडिक्टरी भी होते हैं। मसलन मेरे सुपुत्र के रिकमेंडेशन पर मैंने सुनील शेट्टी की एक एक्शन फिल्म खरीदी थी, मुझे राम वाम याद नहीं आ रहा उसका, लेकिन बहुत गोरी एक्शन दबाया हुआ था,
तो मैंने अपने कॉलम में लिखा कि इसका एक्शन इतना भयावह डर लगता देख, ऐसा सिनेमा बनाने की क्या जरूरत है। वो फिल्म अपनी जगह कामयाब हो गई है। तो कई बार लगता है मन में कि मैं ऐसी फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करूँ जो मैं खुद देखना पसंद करता हूँ। जैसे एक बार राज साहब से मैंने कहा कि मेरी शायद देखी आप, मैंने लिखी और बनाई है, तो उन्होंने कहा नहीं, उसके मैंने एक सवाल तुमसे पूछता हूँ कि शायद अगर सिनेमा घर में लगे तो क्या तुम स्वयं टिकट खरीद के देखना पसंद करोगे? अगर तुम्हारा जवाब है कि हाँ तुम पसंद करोगे देखना, तो मैं तुम्हारी फिल्म देखूंगा। मेकर को पहले ये भरोसा रहना चाहिए कि मैं अपनी फिल्म भी टिकट खरीद के देख सकता हूँ। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट तो होता है, बहुत बार होता है कि आपकी रुचियाँ कुछ है। अब मैंने कई सबसे ज़्यादा 8 फिल्में मैंने लगाई मध्य प्रदेश में,